हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 7 सवाल लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, 7 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। 8वां न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम इन एयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस। यानी एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा -2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जो 3 मीटर दूर है, उस पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? दो आपके चार्ज हैं, कौन से? 9 माइक्रोकूलम, और कौन है आपके? 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 9 माइक्रोकूलम है और ये 2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब इनके बीच देखिए कितनी सेपरेशन है, 5 मीटर की है, और इनसे दोनों से ही 3 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर मान लीजिए हमने पी मान लिया, तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले इसके कारण हम निकालते हैं तो कितना आएगा +9 के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना 9 × 10⁻⁶ -6 डिवाइड बाई कितना? 3 मीटर। 3 से 3 कट हो गया तो बचा 3, और यहाँ देखिए 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 9 × 3 × 10⁻¹⁰ कितना आएगा? 3 आएगा लगभग। ये आया हमारा 27 × 10³ वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से इससे हम निकाल लेंगे कितना आएगा, जो भी आएगा आप उसको भी निकालेंगे। तो देखते हैं हमारा कैसे, हमने कहा शॉर्टकट में करने का मेथड निकाला, तो हमने देखा कि दोनों V1 और V2 दो पोटेंशियल हैं, तो इनमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया गया, 9 × 10⁹ को बाहर रखा गया, और 9 × 10⁻⁶ में से -2.2 × 10⁻⁶ को घटाया, और नीचे डिवाइड बाय 3 3 है, तो 3 को कॉमन लेकर के बाहर आए, 3 से 9 को हमने कट कर दिया। यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचे? 7, और 7 के पीछे 10⁻⁶ है, इसलिए 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 21, 21, और 10⁻⁶ कितना? 9 में से 6 गया तो 3, और जैसे 2.1 करते हैं तो इसे कितना हो जाता है? 10⁴। इतना हमारा पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर। अगला न्यूमेरिकल हमारा कहता है, इन द गिवन फिगर एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस विल द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? यहाँ पर दो, आप देखिए पोटेंशियल तो किसी बीच वाले पॉइंट पर होगा, लेकिन जो फील्ड होता है वो सदैव प्लस वाला जो है या माइनस वाला है उससे दूर की तरफ, बाहर की तरफ होता है। पहले हम इसके लिए मानते हैं कि x डिस्टेंस पर कोई है प्लस q वाले से अंदर की साइड, वहीं कहीं क्या होगा? पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू -3q चार्ज, दोनों को सम करते हैं तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो v1 निकालते हैं, v1 कितना आएगा? तो आप कहोगे q1/x, और इसको हमने मान लिया कि आधी दूरी कितनी मान ली? x, और दूसरी दूरी हमने क्या मान ली? 1 - x मान ली यहाँ तक की। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं q1/x और q2/1 - x। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई जीरो से होगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि q1 की वैल्यू कितनी मानी है? q, और q2 की वैल्यू -3q। इस तरह से हम वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1/x और इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ये जो है कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, तो 3 का क्या होना चाहिए? यहाँ पर अंडर रूट होना चाहिए। नहीं, यहाँ अंडर रूट होने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है स्क्वायर वाला अगर केस होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की केस होती है, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए हम पोटेंशियल को डायरेक्ट निकालेंगे और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? 3x = 1 - x, एक्स को एक्स में जोड़ते ही कितना आएगा? 4x और = 1, और रिजल्ट आता है x = 1/4, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि x वाले से बाहर की तरफ कोई x डिस्टेंस पर होगा और अंदर के साइड दो, तो हम देखते हैं कि प्लस q से कितना डिस्टेंस होगा, अपने कहा x square, और दूसरे वाले से कितना होगा, तो यहाँ से हमारा कितना होगा? ये
आपको 1 मीटर प्लस एक्स मीटर दोनों को लेकर के इस तरह से हम निकालते हैं, और रूट करने के बाद हमें पता चलता है क्या निकल के आता है, 1/x और अंडर रूट रूट 3 1+x, और इसे जब टोटल सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है यहाँ पर 1.366 मीटर एक्स इज इक्वल टू। अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं, 10th, वो कहता है 2 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज के जो है, चार चार्ज हैं और चारों किसी स्क्वायर के कोने पर हैं, और उनकी जो साइड है वो कितनी है, 2√2 है। तो हमको क्या करना होता है, पहले हमें डायगनल निकालना होता है, डायगनल निकालते हैं तो इसमें अंडर रूट टू का और मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√2 × √2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर। और देखिए पॉइंट ओ से लेकर के ए, ओ से लेकर के बी, ओ से लेकर के सी, ओ से लेकर के डी तक की सबकी दूरी सेम है, इसको हम क्या करते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं डायगनल का, तो 4 / 2 = 2 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको V1 V2 V3 यानी अलग अलग कोने पर निकालने वाले चार्ज से निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 टाइम ऑफ V1 होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 1/4π ε0 Q/R पर, क्यू 4π ε0 की वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹, और देखिए यहाँ पर चार्ज 2 × 10⁻⁶, इसे टोटल सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 3.6 × 10⁴ वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर क्या होता है, 250 μC के चार्ज रखे हुए हैं, इसके केंद्र पर परिकेंद्र पर क्या हो रहा है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहाँ पर विभव कितना होगा, यही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक वर्टिक्स पर कितना है, 250 μC है, और कह रहा है 18 सेंटीमीटर एट द सेंट्रॉयड, मतलब हमको निकालना क्या है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तीनों का जो हमारा रिजल्टेंट होगा, देखिए क्या होता है, हमने बनाया ये, देखिए यहाँ पर ये बना दिया हमने क्या, एक जो है हमारा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके देखिए तीनों कोनों से काटते हुए यहाँ पर एक सेंट्रॉयड है, सेंटर ओ, और डिस्टेंस कितना है, R = 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक कोने से सेंटर पर निकालेंगे तो हमारा 3 × 1/4π ε0 और 3 रखा, और R की वैल्यू कितनी है, 18, यानी मतलब आपने इसे 18 × 10⁻² रखा, और जब टोटल सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है 370 × 10⁵, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 3.75 × 10⁷ वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल फिर और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता नामक चैप्टर से अगले न्यूमेरिकल करने प्रारंभ करेंगे।